धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। विघ्नेश्वर महागणपति, मुझे माफ करिए, आपको हम पुलिस थाने ले आए इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। क्या तुम लोग मुर्दे की तरह खड़े हुए हो? ये अपने ताम झाम के साथ तुम लोग सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर आओ। चलो हाथी को भी ले जाना है। तुम क्या समझते हो मैं हाथी को हवा लात में डालूंगा? बस बस, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। आओ आओ, चलो चलो अंदर, चलो चलो जल्दी उतरो, चलो जल्दी जल्दी करो, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। अबे पैर में मेहंदी लगा है क्या जो धीरे धीरे जा रहा है? चल रहे, जल्दी चलना। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? सर सुबह शुभ समय में झंडा लहराया था, इन सबको यहाँ खड़ा करेंगे तो वहाँ क्या होगा? क्या मैं इनको लाया? अरे FIR हुआ इनके नाम। पहले आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए, एक पूरब एक पश्चिम है, समझ में आया पशुनाथ राजू? हम सब मिलकर एक दूसरे से सलाह करके पहुंचने वाले थे तो वो कुंदन लाल कालीदास ने वहां आकर हल्ला करके सब कुछ बिगाड़ दिया। उसका फैसला हम लोग कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। वो आदमी किधर गया? अबे ओ हक्का बक्का, मुझे हक्का बक्का मत बुलाओ, तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से नाम रखा है। राधेश्याम, मैं तुमको हक्का बक्का ही बुलाऊंगा। मैंने तुम्हें इतना ही बताया ना कि मेरा नाम राधेश्याम है, तो सिर्फ वही बोलो ना। वो धोती वाला सिरदर्द वकीलों का प्रेसिडेंट कुंदन लाल कालीदास को यहाँ तुरंत बुलाओ, इस समस्या का फुल स्टॉप आज लगाना ही होगा। अरे अंदर फोन है, आप खुद कर लीजिए, इस केस को फुल स्टॉप कीजिए। अंदर फोन है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। हाँ। और 100 रुपये भी, लेकिन चिल्लाना होगा, जोर से चिल्लाना होगा। वो अभी जरूरी नहीं है, तुम्हारा बुरा वक्त अभी नहीं है बेटी, अभी जमाना बदल गया है। परवाने, मुझे सुनो, तभी ये मिलेगा। तो तुम्हारा नाम और नक्षत्र बताओ बेटी। माया अश्विनी नक्षत्र। माया अश्विनी नक्षत्र, माया अश्विनी नक्षत्र। ओ ओय ओय ओय, एक मेरे नाम से भी बोलो, एडवोकेट कुंदन लाल कालीदास MA LLB। आपके लिए करना होगा। हाँ करना होगा। कुंदन लाल कालीदास, हे भगवान। ओ ओ ओ ये लो, कल भी तुम आकर बोलना, अभी मुझे सही तरीके से जाके किसी को समझाना होगा, पाप सारे यहाँ के मिटेंगे। ऐसा होगा तो इसको परमानेंट करना पड़ेगा नजर उतारने के लिए। ए, क्या बोला तुमने, ये भी हमारे ग्रुप का एक आदमी है। हेलो। हे हेलो, हाँ मैं ही हूँ, कुंदन लाल कालीदास। कुंदन लाल कालीदास, हाँ बोलिए। कुल देवी के मंदिर में समस्या है, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, इसलिए आज मैं कोर्ट नहीं आ सकूंगा। वैसे भी कोर्ट जाकर तो जमाना हो गया है ना। सर कोर्ट निकालू? नहीं नहीं, क्यों, पुलिस स्टेशन में केस है, बोले ना वकील साहब। कोर्ट तुम पहन लो, गुमास्ता के स्थान से तुझे प्रमोशन मिलने वाला है, वकील रामन्ना। जाबे कुत्ते की औलाद। मुझसे क्यों मिलने चाहते थे? इसके लिए कोर्ट और घर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। जरूर जाएंगे, मेरा दिमाग मत खराब करो। बस खुश हो गया ना तुम, मजा ले रहा है, तुम साला मजाक करोगे और मैं गाली खाता हूं। जल्दी आओ। हाँ मैं आया आया, शगुन शगुन। बेटे सामने आओ, हमेशा की तरह।
क्या हमारे सारे आदमी आ गए? ये किस बेवकूफ का हाथी है? पार्वती पुत्र कार्तिक देव का निशानी है। क्या फैसला करें? वो निशानी नहीं है, उसके चोट लगी है। देखो, अरे हाथी के कान में छेद है कि नहीं देखकर बताओ, वरना सेक्शन 121 लागू होगा, हाथी को भी कस्टडी में लेना होगा। चलो बजाना चालू करो। चलो तुम सब बैठो बैठो। वीआईपी की जैसे इज्जत देने के लिए ये यहाँ का कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं किए तो ये पुलिस स्टेशन है नहीं देखूंगा। क्या करेगा तू? मैं क्या करूंगा? हाँ, क्या करेगा? अभी तुम हमें जानते नहीं हो। कौन है? अभी मैं पता है मैं कौन है। अभी बताता हूँ। रुको रुको, ये युद्ध भूमि नहीं है। क्या एसआई राजन नहीं है? नहीं है। कहाँ गया वो? नहीं मालूम। तुम्ही ने तो मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, क्या काम है? आपको क्या काम मालूम नहीं? कोई भी 2% का आदमी सुअर पर पत्थर मारे या कुत्ते पर पत्थर मार कर बोले, वही 2% का आदमी यहाँ आकर कंप्लेन लिखाता है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं 2% का आदमी नहीं हूँ, ये जो आपके सामने खड़ा है एकदम घटिया 2% का आदमी है। किसको 2% का बोलता है? मैं तुझको ही बोल रहा हूँ। मैं तेरा जबान खींच लूंगा। मैं खींच के दिखा। इसको बता मेरे बारे में, मैं क्या कर सकता हूँ? ओ, ये पुलिस स्टेशन है। अगर तुम दोनों झगड़ा करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। मुझे अपना फर्ज निभाना पड़ेगा, तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा। सर एसआई लाइन पे। अच्छा, अर्जुन बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। कालिया कल्लू, जानता हूँ सर, कई बार वो जेल से भाग चुका है, जानता हूँ। अच्छा, उस लॉज में है। ठीक है सर। अबे हक्का बक्का, इधर आओ। तुमसे ही पूछा, क्या वो यहाँ रहता है? बताना। बताता हूँ ना, पहले ठीक से देख तू लू। ज्यादा नाटक मत करो, बोलो ये यहाँ है या नहीं? सर लेकिन अभी बाहर गया है। क्या बोला? हाँ सर, वो अभी यही रहता है लेकिन अभी बाहर गया है, कब आएगा पता नहीं मुझे। Thank you.
देखता हूँ तू कितने दिन मुझे जेल में रख पाएगा। मेरा 33वां बार जेल से भागना यहीं से होगा, देखना तुम। देखते हो तुम क्या कर लोगे। तेरा अहंकार अभी तक खत्म नहीं हुआ साले। नमस्कार सर। इधर साइन करो यहाँ। हेलो मधुमति, सब ठीक है ना? भैया अंदर है। भैया आदमी को थोड़ी इज्जत रखनी पड़ती है। मैं अभी आता हूँ बोलकर सुबह गए और अभी दोपहर होने को आई। भाभी और आपके ससुर जी सुबह से इंतजार कर रहे हैं भाभी को ले जाने के लिए। तुम जाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। जानती हूँ नहीं आएंगे, अगले ट्रेन में बहुत भीड़ होगी। मैं इस रिपोर्ट को लिखकर खत्म करते ही तुरंत वहाँ पे पहुँच जाऊंगा, तुम जाओ। सुनो सर, इस रिपोर्ट को एसपी साहब के पास तुम खुद जाके पहुँचाओगे। ओके सर, मैं खुद पहुँचाऊंगा। कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। अरे ये क्यों चाहिए जी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। घर हो या कहीं भी हो, ऐसे काम में अपना दिमाग मत लड़ाओ। यहाँ वहाँ जाने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, ये रख लो। ओह, अगर तुमको यहाँ नर्सिंग होम में भर्ती करते तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती। मैंने तो बोला था कि मैं यहाँ पर रह जाऊंगी, लेकिन आपने तो नहीं माना ना। यहाँ कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? मधुमति के कॉलेज जाने के बाद यहाँ कौन रहेगा? और तुमको तुम्हारे घर पर ही आराम मिलेगा ना, इसी बात से तुम्हारा राजी हो गया था। चलो 5-6 महीने तुमसे अलग रहना होगा सोचकर दुख होता है। यहाँ से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है मेरा घर, और आप तो कोर्ट के काम के लिए वहीं आते ही हैं, तो हम घर पर ही मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा बच्चे की आवाज सुनता हूँ। जल्दी करो बेटी, लेट हो रहा है। राजन हम चलते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मधुमति चलते, बाय बाय। मधुमति आती हूँ। कितना हॉर्न बजाती हो तुम? मुझे लगा आज मैं लेट हो गई हूँ इसलिए तुम नहीं आओगे। अरे सुबह सुबह गेम खेलने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है चलो। हाँ। गुड मॉर्निंग राजन भैया। गुड मॉर्निंग, किधर है तुम्हारा हेलमेट? हेलमेट सुबह सुबह और वो भी गांव में? सुबह सुबह और गांव में हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है, क्या कोर्ट का ऑर्डर है? बोलो क्या हेलमेट नहीं है? क्या भैया तुम मत बोलो, अगर कल से इस एरिया में बिना हेलमेट के देखा ना तो 500 फाइन लूंगा। मैंने जिंदगी में एक फैसला किया, महीने की पगार देकर एक IPS ऑफिसर के साथ शादी कर लूं, फिर क्या तेरे भैया के सामने आकर खड़ी हो जाऊंगी। तुम तो करोड़पति हो, MA और MBA भी किया है, मिनिमम एक IG चाहिए स्टेटस के हिसाब से। IG स्टेटस ज्यादा नहीं है? ए बिल्कुल ज्यादा नहीं है, क्योंकि पति के प्यार के साथ साथ तुम्हें परदादा का प्यार भी मिलेगा। दूंगी ना, बैलेंस बिगड़ जाएगा। मेरा भाई आ गया। हाय हाय मामा, इधर आओ। क्या भैया? मेरी अलमारी में कुछ पैसे हैं, वेद प्रकाश आएगा उसको दे देना। वो कब आएगा? मुझे कॉलेज जाना है। हाँ उसके पहले आएगा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ मीटिंग में। तुम्हारा यूथ फेस्टिवल कब है? कल। क्या तुम नहीं जाओगी? हाँ शाम को जाऊंगी, मगर कंपटीशन में जजेस को पहले ही मालूम हो गया तो
मैं एक छोटी सी मीटिंग करवा सकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, है ना यार? वो तो उसमें जरूर जीतेगी। मेरे प्यारे भैया, आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए तो ठीक है। चल गाड़ी। हाँ आती हूँ। हाय हाय। भरतनाट्यम के अलावा और क्या क्या करने वाली हो? मोहिनी अट्टम, मोनो एक्ट एंड मिनी स्पीच। तुम यहाँ से जाते वक्त ज्यादा सपना मत देखना, समझी? तुम ज्यादा सपना मत, तुम लोग देखना, इस बार इसी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो, शटल ना? ए, सफेद कौवा कहीं नजर आ रहा है, मैं देख रही हूँ। देखो तुम मजाक मत करो, कभी कभी सफेद कौवा यहाँ से उड़ते हुए नजर आएगा। अच्छा, तो मुझे खुशी होगी। अरे मेरा बच्चा, गुस्सा हो गई, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं। अच्छा शाम को मिलते हैं, बाय 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 बाय। आओ ना। नहीं नहीं, आओ ना। नहीं नहीं भामा है, तुम जाओ जाओ। मैं चलूं भामा? एक गेम खेलकर चलेंगे ना? नहीं, मुझे रजनी के घर जाना है, मुझे नोट्स लेनी है। अच्छा। मैं आऊंगा, तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में आऊंगा। अरे नहीं शशि, तुम आओगे तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगी, इसलिए तुम मत आओ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, मैं तो तुम्हें छुपकर देखूंगा। नहीं ना शशि, तुम मत आओ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। बाय बाय। बाय। सी यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नोट्स मिल गया तुमको? क्या यही है रजनी का घर? वो मैं वहाँ जा रही थी। मैंने देखा, तुम उसके साथ क्या कर रही थी? मैंने मना किया था ना, शशि अच्छा लड़का नहीं है। क्या बोल रही हो तुम, मैं किसी के साथ अकेले में नहीं मिलती हूँ। शशि को देखकर मैंने बस हेलो बोला, इतना ही। शशि इस गाँव का है, जात एक ही है, हम जब भी मिलते हैं बस बात करते हैं, और जैसा तुम समझती हो वैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट फ्रेंडशिप, बस उतना ही। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि शशि और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ भी समझो, तुमको जलन हो रही ना? जलन जलन। चलो भामा। क्या गुस्सा हो गई? गुड लक, इस बार जरूर जीतना। हम सबने बेट रखा है कि तुम होगे इस साल के इंटर कॉलेज की चैंपियन। ऑल थैंक यू। इसमें क्या शक है, फर्स्ट तो यही आएगी। बेटी देर हो रही है, हमें वहाँ पहुँचना है। बाय 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 बाय। सर। क्या है? मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बुखार भी है। ये क्या मेडिकल शॉप है, यहाँ कुछ नहीं है? तो मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। ड्यूटी पर किसी को आने दो, मैं तुम्हारे लिए गोली लेके आता हूँ। तब तक तो सर मैं मर जाऊंगा। सर मुझे बहुत बुखार है और ठंड भी लग रही है सर, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दीजिए सर प्लीज। कोई रास्ता निकालता हूँ। सर 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 सर। क्या हुआ? वो वो वो
क्या? कल्लू का लिया। कल्लू लॉकअप तोड़ के भाग गया। खोलो। हेलो कंट्रोल रूम। सर उसको भागने में मदद की? उसने बोला ठंडी लग रही, मैंने चादर दिया। सर इस राधे चौधरी ने इस हक्का पक्का की मदद कीजिए सर। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मुझे डिसमिस कर देंगे। अगर मैं बीच में टांग अड़ाऊंगा तो सस्पेंड हो जाओगे। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं 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 सर। हाँ मैं नहीं करूंगा। ओके। सर ये सब सीनियर लोग आए हैं, बड़ी समस्या होने वाली है। कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़े रहो, देखते जाओ। सर मुझे कुछ हुआ तो मैं यूनियन के पास जाऊंगा। यूनियन तेरा बाप है? ये कितनी बार यहाँ से भागा है? उसकी कोई गिनती नहीं है सर। गिनती है सर 33। 33? ये तुम कैसे जानते हो? कालिया कल्लू ने बताया था सर। कल रात में ड्यूटी पे कितने थे? 3-4 लोग थे सर। उनका पूरा डिटेल चाहिए सर। कौन ऑफिसर ने उसको चादर दिया सर, था? उसको बहुत ठंडी लग रही थी, मैंने उसको चादर दिया। क्यों अभी तक यहाँ पर? इसको बाहर निकालो। एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा है सर। क्या एक्सप्लेनेशन? किसको समझाएंगे? क्या नाम है तुम्हारा? राधेश्याम। हक्का बक्का सर। हक्का बक्का? मैं यूनियन मेंबर हूँ। कैसे यूनियन? याद आएगा तो मैं बताऊंगा। यू शट अप, कम ऑन। मैंने सुना है ना क्यों इसको यहाँ रखा है। अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है। हाँ इसका कोई और रास्ता है ना? भीख मांगो। मधुमति सुनो। क्या है भैया? अरे मधुमति जल्दी आओ, देखो पेपर में किसका नाम आया। देखो किसका? यूथ फेस्टिवल में सभी कंपटीशन में भद्रा फर्स्ट आई है। मुझे पता था ट्रॉफी वो जरूर जीतेगी। जाके सबको बता दो। शशि की माँ, शशि की माँ, शशि की माँ, शशि की माँ,
भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, ये कैसे सो रही है? तुमको कुछ भी सुनाई नहीं देता है? क्या हुआ? आपको जाना नहीं है क्या? क्या तुम तैयार हो गई? मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ। अरे आपके गहने किधर है? वो ना, हाँ हाँ अलमारी में रखी है। कसम से मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। भद्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं है, मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। चले ऐसे। अरे चल जल्दी। क्या है? दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं भैया। बोलो, कुछ तो है, मुझे मालूम है, बोलो। कुछ नहीं है राजन भैया। अरे चलो बताओ। भैया भद्रा लापता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्राइवेट स्टेशन, टैक्सी स्टेशन, सब जगह मैं इस लड़की की फोटो दिखा चुका हूँ। किसी ने भी इस लड़की को नहीं देखा। फालतू घूमता हुआ एक भिखारी मिला, जब उससे पूछा तो मुझे एक सुराग मिला। सुराग मिला? हाँ, उसने भी नहीं देखा। सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में भी मैंने लड़की के बारे में पूछा। अब अनाथ आश्रम बचा। ज्यादा चिल्लाओ मत, धीरे से बोलो। बेटी का कमरा कहाँ है? वो उधर वाला है। उसका एक बॉयफ्रेंड है ना, क्या है उसका नाम? शशि। शशि तो सिर्फ फ्रेंड है। हाँ हाँ, सिर्फ फ्रेंड ही था। पुलिस वाले को बोलो जाकर मंदिर में देखे, वो दोनों वहाँ मिलेंगे। वहाँ क्यों जाएंगे? आजकल तो वही सेफेस्ट जगह है। पिछली रात को क्या आप लोगों ने कुछ देखा था? आई मीन उस लड़की को घर में आते हुए, यहाँ से जाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं? क्या आपने देखा था? जी नहीं। क्या आपने कुछ देखा था? नहीं। ये कैसे हुआ? मालूम नहीं सर। नहीं मालूम। चलो। ये काम
कालू कालिया का है। खिड़की के राड को काट करके घुसना उसी का मोड़ा सा बरंडी है सर। जेल से भाग कर वो यहीं आया होगा सर, खिड़की के राड को काट कर अंदर जाते हुए, और फिर वो घर से बाहर गया, किसी ने नहीं देखा सर। उसके बारे में तो आप जानते हैं सर, औरतों को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है। अब उस लड़की की बॉडी को ढूंढना पड़ेगा सर। भामा जरा इधर आना। क्या उस लड़की का कोई प्रेमी था या किसी लड़के के साथ संबंध? बोलो भामा क्या था? शशि से वो प्यार करती थी। यही है ना शशि? हाँ। सुशीला का बेटा शशि। वो पहले जैसे नहीं है, अपना रेट बढ़ा चुकी है। अरे पुलिस वाले खड़े हैं। अरे ये क्या हो रहा है? रेड 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 पड़ी है। हाँ। कुछ नहीं होगा, अब कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे बेटे का नाम शशि है ना? हाँ सर। वो क्या काम करता है? वो अभी नौकरी नहीं करता है। वो कमाता नहीं है तो फिर तुम क्या काम करती हो? अरे सिर्फ बेटे के बारे में पूछो, माँ के बारे में नहीं। अपने बेटे को बुलाओ। अरे वो शशि को बुलाओ ना। वो घर पर नहीं है। वो नहीं होगा, कल से ही गायब है ना। कहाँ गया है आपने बताया? दोस्त को मिलने के लिए ना? हाँ सर, दोस्त की शादी के लिए गया है। वही तो बताएगा ना, उसको भगा कर लेकर जा रहा हूँ थोड़ी बताएगा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको समझने की जरूरत नहीं है, ये बाइक उसकी है ना? हाँ सर। चलो। वो कहीं भी हो हम उसे ढूंढ लेंगे और गिरफ्तार भी कर लेंगे। अरे क्या धक्का मारता है वो भी अपने सीनियर को। अभी जो तुमने दो बातें बोली वो तुम फिर से बोलो। सुशीला के घर पर एसआई और पुलिस आकर उसको चेतावनी देकर गए। दूसरी, चाय लेके अंदर जाओ। चाय मुझे पीनी थी। हाँ दूसरी बताओ। वो लड़की जिस दिन लापता हुई, दोपहर के थोड़ी देर बाद जोर से बारिश होने वाली थी, उससे बचने के लिए मैं एक दुकान में घुसने के वक्त, जब खड़े थे घुसने के वक्त, भयंकर मधुमिता आओ, घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। मैंने उतना ही देखा सर, आप तो पशुनाथ राजू को जानते हो, औरत के कपड़े देखते ही वो तो उसे नहीं छोड़ेगा, तो उस लड़की का क्या हुआ होगा फिर? उसके बाद क्या है? लस्सी। लस्सी लेकर तुम अंदर जाओ, अब किसी भी काम से यहाँ मत आना, जाओ। अब उतना ही नहीं, उसके बाद क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा सर। देखा, पशुनाथ राजू ने जबरदस्ती उस लड़की को अपनी कार में ले जाते हुए तुमने देखा? कसम से मैंने नहीं देखा सर। देखा देखा देखा। राजू की पार्टी सेक्रेटरी को, सीएम को, होम मिनिस्टर को, डीजीपी को भी ऐसा तुमने देखा, एक ऐसा लेटर लिखो, जो भी बोला आंखों देखा हाल था, उस दिन से वो लड़की लापता है, ऐसा एक बेनाम खत लिखो। नो, बेनाम खत नहीं। सेक्शन 303, सेक्शन 407, सेक्शन 121 लागू होने से काम हो जाएगा। उस दिन हाथी का केस के वक्त भी सर आपने यही नंबर बताया था ना? हाँ नंबर, नंबर नहीं, 121 फॉरेस्ट एक्ट था, ये 121 डोमेस्टिक एक्ट है। 64 सुप्रीम कोर्ट मालूम है? नहीं। 21 लाहौर? नहीं। हाई डेक? नहीं। 123 गिब्बन? नहीं। न्यूक्लियर पैट? ना। पीबी? अवेलेबल पीबी? मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। तुम्हें मालूम होगा, मेरी लग जाएगी। मैंने जो भी बोला वो एक ही सेक्शन है, एक ही एक्ट है, सब एक ही फैमिली है। सर आपको इतना मालूम है फिर भी एक केस नहीं जीतते? गुड क्वेश्चन। वो सिर्फ मेरे बहस करने से क्या फायदा, सवाल जवाब करने के लिए और भी कुछ चाहिए। विरोधी न होने से जो जज है, मैं जो भी बोलूं तुरंत केस को डिसमिस कर देता है, नहीं तो मैं आज तक केस नहीं आ रहा हूँ। वो बेनाम खत की बात रुकी पुष्पिंदर, नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा। किसका? आपका? नहीं, तुम्हारा नाम पुष्पिंदर। अच्छा मेरा? मेरा नाम जरूरी है? या, 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 या। हाँ तुम्हारा ही तो नाम है। सुनो जाके 5-6 ब्लैंक पेपर लेके आऊँ। नहीं।
क्या जरूरत है झूठी कहानी बना के झूठा केस बनाने का? ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? क्या अच्छा नहीं है? क्यों अच्छा नहीं है? चार साल पहले जो हुआ था वो भूल गई तुम? हो सकता है तुम भूल गई हो। उस दिन गर्मी के मौसम में मैं जेल किया था, अंदर खुश नहीं था मैं। लात घूसे खाने के बाद मेरी बदन की हड्डियां टूट गई थी और उस दिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने उसके क्या बिगाड़ा था कि मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करा दिया था उसने? ये काम किसने किया, किस लिए किया उसने? पशुनाथ राजू ने किया था। उस दिन यहाँ जो एसआई थे उसका दोस्त था एसआई स्टीफन। हाँ, आज के यहाँ एसआई राजन मेरा दोस्त नहीं है। मैं यहाँ किसी सिफारिश से काम नहीं किया। उस दिन का बदला लेने के लिए इससे अच्छा मौका हमको नहीं मिल सकता। मैं बदला लूंगा और जरूर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे किसी का डर नहीं। सुनो, जो भी मैंने अभी बोला अगर तुम्हें पसंद ना आए तो उसे भूल जाओ, लेकिन सगे बाप का हाथ मत छूना। से नहीं ले जा सकते। रुको 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 रुको। क्या बात है? आपको क्या कानून मालूम नहीं है? लॉ है, जब भी लाश मिलती है, जहां से लाश मिलती है, जहां खून हुआ है, पहला इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप यहां से लाश ले जा सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए। वही कानून यहां पे भी लागू होता है। मैं समझा नहीं। क्या ऐसा कानून आपको मालूम नहीं? कानून आप मुझे मत सिखाइए। दो तीन दिन से यहाँ पे लाश पड़ी है, इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी को इनके हाथ में सौंपना ही हमारी ड्यूटी है। वो आपका काम है। अगर आप मेरे काम में बाधा डालेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, समझ गए ना? हम सब गांव वालों को बहुत सारे डाउट्स हैं। ये जो लड़की मरी है, इसने आत्महत्या की है, ये गाँव वाले तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। आइए आप गाड़ी में बैठिए। एक मिनट रुकिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद आप बॉडी ले जा सकते हैं। हाँ, गाड़ी को जाने दीजिए सर, मैं देखता हूँ क्या होगा। यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बॉडी ले जा सकते हो। जा बे, गाड़ी निकालो सर। ऐसे कैसे गाड़ी निकाल लो? अबे हट यहाँ से। अरे गाड़ी निकालो, तुम्हारे तो मुंह तोड़ देंगे। अबे हट इधर से। तुमको क्या समझ? अबे हट सर, तेरे को क्या समझ? हट सर, हट। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। हटिए, मैं बोलो सर, हट यहाँ से। मार डालूंगा मैं। मुझे मालूम है क्या करना है, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। लेके चलो पशुनाथ राजू को। अरेस्ट करो 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 पशुनाथ राजू को। पशुनाथ राजू को। अरेस्ट करो 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 पशुनाथ राजू को। अरेस्ट करो। आज तक मेरे खिलाफ राजनीति में जो लोग थे और अभी आए हो एसपी ऑफिस में मोर्चा करने, कौन हो तुम लोग? क्यों उसके पास काम करते हो? क्या मिलेगा अगर तुम एक दिन मोर्चा करोगे? पुण्य मिलेगा, उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, समझा? इनमें से ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो शाम को आके मुझसे हाथ जोड़ के पैसा मांगे। ये न्याय दिलाने का आंदोलन है, न्याय आंदोलन है।
तेरे जैसे दुनिया में धोखा देने वाले धोखेबाज इंसान को जब भी पुलिस और कानून कुछ नहीं कर सकती, तब ये लोग कानून को जगाने के लिए न्याय मांगेंगे, आंदोलन करेंगे। इनको कुछ बोला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं रोकूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, कान के नीचे बजाऊंगा, समझा? सर, जरा इधर आइए। क्या हुआ? कौन आया है? अरे वो एसपी डीवाई एसपी। उनको यहाँ क्या काम है? पशुनाथ राजू को अरेस्ट करने के लिए अपने कुंदनलाल कालिदास एसपी ऑफिस के सामने तपस्या कर रहे थे ना, नहीं नहीं आंदोलन कर रहे थे ना, इसी की पूछताछ के लिए हम लोग आए थे। मैं चलता हूँ, चाय देनी है। राजू भैया, उस लड़की को मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये कुंदनलाल का काम है। क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारी सहेली थी ना जिसकी मौत हुई है, क्या खूनी कौन है जानना नहीं चाहोगी? हैं? खूनी को पकड़वाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं, समझी? अब तुम ज्यादा देर धूप में मत खड़ी हो, तुम जल्दी सब घर चली जाओ, जाओ। छोटी बच्ची है ना, जल्दी मुरझा जाओगी, चलो जल्दी जाओ। चलो। हाँ। एसपी है ना? क्या सवाल पूछ रहे हो कुंदनलाल? एसपी को बुलाने वाले तो आप ही हो ना? मुझे उनसे मिलने दो। अभी नहीं जा सकते हैं, अंदर मीटिंग चल रही है। क्या राजन सर भी हैं? सभी सर बैठे हैं। चलो अंदर उनका मीटिंग चलने दो। हाँ। लेकिन अंदर जो मीटिंग हो रही है उसका फैसला तो आपको मुझे बतानी पड़ेगा। वो मैं नहीं बता सकता। 500 है अभी मालूम पड़ेगा, इसीलिए आपको सब समझदार कहते हैं। आपके पास कितनी समझदारी है? इस आदमी ने तो चादर दिया था ना। ये सस्पेंशन में है सर, और इसको और कोई काम नहीं होने की वजह से ये सिर्फ हेल्प कर रहा है, ऑफिशियल काम कुछ भी नहीं करता। कल मेरे ऑफिस के सामने आकर बहुत लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। ये बेनाम खत नहीं है, इसमें लिखने वाले का नाम और एड्रेस भी है। सर ये पुष्पेंद्र का लिखा हुआ खत है सर, ये कालिदास का आदमी है और ये भी उस आंदोलन में शामिल। खत को पढ़ो सर। खत लिखने वाला किधर है? तुम इसका सिर्फ कंटेंट पढ़ के बताओ। सर उस लड़की की डेड बॉडी मिलने से पहले ये खत लिखा गया था। तारीख क्या है? राजू ने उस लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया है, ये लिखा है ना? उसके बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा, इतना काफी इस केस को अंजाम देने के लिए। पोस्टमार्टम और फाइनल रिपोर्ट के बाद ही हम फैसला करते हैं सर। तुम जल्द से जल्द एक्शन लो, देन अरेस्ट हिम सर। हाँ और एक बात, जिस आदमी पर शक है उसे गिरफ्तार कर लो सर। वो आदमी राष्ट्रीय पार्टी का, क्या तुम डरते हो? नहीं सर। तो जाओ जल्दी अरेस्ट करो सर।
खुशी हो रही है ना तमाशा देखने में कि मेरे बेटे को हथकड़ी पहना के ले गए। इसी की तरह राजू खतरा को भी मानता था, फिर भी राजू के बारे में किसी को समझ भी नहीं आया। मेरी बेटी लापता है, हमने जरूर कंप्लेन लिखवाया था, लेकिन राजू पर शक है, ऐसा हमने कभी नहीं बताया। हमारी बेटी भी तो आपकी बेटी जैसी थी दीदी। क्यों आप पौधों को काट रही हो भाभी? आपने उस दिन कुछ देखा था ना? मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगा कि आपने उस दिन कुछ देखा था। अभी जो पुलिस राजू भैया को अरेस्ट करके ले जा रहे थे तब आई क्यों नहीं? वो पुलिस को जब मैं देखती हूँ ना मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं आई। पुलिस से आप डरती क्यों? नहीं मालूम, पुलिस से डर लगता है। उसका कारण ही मैं पूछ रही हूँ। कुछ दिनों से आप बहुत बदल गई हैं। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। चलो, राजू भैया को अरेस्ट कर लिया है। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि क्या तेरे भैया को राजू भैया पर शक है? कसम से मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कल भी राजन भैया बता रहे थे कि वाकई में कालिदास कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कैसे उनका मन बदल गया और मेरे भैया को अरेस्ट कर लिया? कितना पैसा दिया कुंदनलाल ने मेरे भैया को अरेस्ट करने के लिए? क्या बकवास कर रही हो, मेरे भैया ऐसा क्यों करेंगे? कितने पैसे दिए अरेस्ट करने के लिए? मैं पूछती हूँ, फिर क्यों मेरे भैया को अरेस्ट कर लिया गया? कुंदनलाल क्या, उसका बाप भी आकर बोलेगा तो नहीं मानूंगा। मुझे जो भी सही लगता मैं वही हमेशा करता हूँ। अगर तेरा भाई इतना सही आदमी है तो उस समय वो उस औरत के घर क्यों गया था? क्या उसको मालूम नहीं कि वो कौन है? क्या हुआ? कुंदनलाल सर आए, आपसे तुरंत मिलना चाहते। ये माला, ये बुके, ये बुके, दोनों कॉस्टली हैं। ये माला और बुके तो मैं समझ गया, तुम्हारा क्या काम है? स्टेट में 445 डीजीपी ऑफिसर हैं और उतने आईजी भी होंगे। उनके नीचे एसपी ऑफिसर होंगे, डीवाईएसपी ऑफिसर होंगे और इनके नीचे हजारों इंस्पेक्टर और पुलिस वाले भी होंगे और उनमें सबसे अच्छे एसआई अपने एसआई राजन सर। डबल कांग्रेट्स। अपने राजन सर शेर के औलाद हैं, नहीं तो किसकी हिम्मत थी कि पशुनाथ राजू ये भूलोक करासकल को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल सके। सुन, मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहूंगा, ये याद रखना। सुना सुना, इसका कितना अकड़ है? ये ऐसे नहीं है, तुम ही तो उसको उंगली कर रहे हो ना, जाओ सामने। पशुनाथ राजू को छोड़ दो। चुप रहो। इस भीड़ में मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनको उनके नाम से जानता हूँ मैं, इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ कि चले जाइए यहाँ से। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। चुप हो जाइए, जाइए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। उसने जुर्म किया है इसलिए हमने उसको कानूनी ढंग से अरेस्ट किया है, कानून को तुम लोग मत तोड़ो। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ तुम लोग। नेताओं के बहकावे में आकर के पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रहे, मुझे मजबूर मत करो गोली चलाने के लिए। भागो भैया, भागो। किसको राजू चाहिए बोलो? भागो भैया, आगे आओ सालो। अरे आदमी तो अपने एसआई राजन के जैसे ही है। हाँ थोड़ा लगता है। थोड़ा नहीं, बहुत लगता है।
ये कौन है ये अजीब प्राणी? मैं गुंडा हूँ, मेरा नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख, एलर्जी की वजह से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी गुंडा हूँ, मुझे एलर्जी नहीं है। तुम जाकर पूछो वो लोग किस लिए आए हैं। मुझे डर लगता है, तुम जाके पूछो। तो मैं जाकर पूछूंगा नहीं। हाँ देखो यही आ रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन किधर है? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अच्छा तो नहीं बताओगे? हाँ, तो तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। देखने में थोड़ा चोर की झलक। बोलो तुम कौन हो, क्यों आए हो, क्या काम से आए हो? चुप। देखो हम लोग बहुत मशहूर गुंडे हैं। लेकिन मैंने तो कभी भी नहीं सुना था। ठीक है, हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। सुनो, इसको गाड़ी में बिठाओ। अरे, अरे ओके। भाई, इनको कहाँ ले जा रहे हो? अरे इनको जिधर मन होगा ले जाएंगे। घूसखोर इंस्पेक्टर, 5 मिनट में 500 रुपए ले लिए। आप किसी ने अगर 500 रुपए मांगे तो उसे काट काट कर मार डालूंगा। अरे पप्पू क्या बोला? हम जिसको ढूंढ रहे थे वो लॉकअप में है, उसने 5 मिनट बात करने के लिए 500 रुपए मांग रहा है। अरे किससे मिलने जा रहे हैं? अंदर लॉकअप में एक आदमी है, पशुनाथ राजू। पशुनाथ राजू, अगर हम उसको मिलेंगे तो तुमको कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप क्यों मिलना चाहते हैं? आप लोग कौन हो? मालूम करना है? नहीं, मुझे मालूम करने कोई जरूरत नहीं है, आप तो जानते हैं। चलो। बताओ ना यार। यार नहीं, मेरा नाम पप्पू है। छे छे, याद रखना। इधर कोई लॉज मिलेगा क्या? क्या लॉज, वो भी हमारे गांव में? सुनो, लॉज का पता काफी हमारे लिए, बाकी क्या क्या करना है वो हम सब देख लेंगे, समझे? अच्छा वो भी चाहिए? घर चाहिए तो मिलेगा। ठीक है, घर किधर है? सुनो, इस राजू के साथ क्या रिश्ता है आपका? राजू का दामाद बनकर आने वाला हूँ, चला छोड़। हम यहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं। उस खून से मेरा कोई संबंध नहीं है, वो लड़की मेरी बहन जैसी थी, बहुत सालों से मेरा एक। नहीं नहीं, मुझे पुरानी कहानी नहीं सुनी है। हम उस लड़की के खून के बारे में पूछताछ करने नहीं आए, हम तुमको इस केस से छुड़ाने आए। तुम्हारी पार्टी वाले ने हमको भेजा है। आप कौन हो? जितना पैसा मांगा पार्टी वाले ने दिया तुझे बचाने के लिए, इतना ही जान लो बस है। तुमको कोर्ट कब लेके जाएंगे? अभी तक कोर्ट लेकर नहीं गए, मुझसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पुलिस कस्टडी में रखा है। अरे भाई साहब, टाइम हो गया आपका, मैं आप ही से कह रहा हूँ। पुलिस साहब आ गए, जल्दी जाइए। मैं सर को अब क्या जवाब दूंगा, कैसे समझाऊंगा? ये कौन है? मुझे नहीं मालूम सर, कौन है नहीं जानता। लॉकअप में उस आदमी से मिलने के लिए अनुमति किसने दिया इसको? वो सर क्या है, वो इसके बहुत अजीज मित्र हैं। बेकार में वो क्या है सर, बहुत जरूरी बात करनी थी। और सर, तुमने मान लिया? कितने मिले तुमको उपकार के लिए? सर वो कुछ इसको इतनी हमदर्दी मत दीजिए सर, इसकी तो आदत है। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि मैं यहाँ नहीं था। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारा नाम क्या है? राजा मणि, मुझे चतुर मणि भी बुलाते हैं। चतुर मणि, काम क्या करते हो? आपको मेरा काम अच्छा नहीं लगेगा। इससे मिलने क्यों आए थे? आपके ऊपर दबाव पड़ने से आपने एक झूठा केस बनाया, इसको यहाँ से ले जाने आया हूँ। क्या बोला? इसको बचाने आया हूँ, तुम बचा लोगे? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, उन्होंने सोच लिया तो हो गया समझो। तो दिखाओ उसको बचा कर। चलो बचाओ। ऐसा मत करो। क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ नहीं करूंगा सर, लेकिन हमेशा मेरा हाथ मेरी बात नहीं सुनता है, यही समस्या है। और एक दो स्टार मिल जाने से इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, दिमाग से काम करना पड़ता है। मैं जो करने आया था करके जाऊंगा। पप्पू चलो। देखो इंस्पेक्टर, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, चल जाए यहाँ से निकल। हाँ भैया, हम लोग चलते। और डालो, आप लोग जो भी पूछेंगे हम दोनों पुलिस वाले सब सच सच बताएंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है, ये तुम समझ लो। हमारा यहाँ आने का मकसद ये लो क्या है? कितना पैगो? इसको मिला के 8।
हाँ जोड़ लेना, 5 पैक के बाद मुझे याद नहीं अच्छा। रहता, 5 पैक के बाद वो खुद ही अपने आप को भूल जाता है। ये बेवड़ा है अभी इसको मुझे हाँ। अच्छा ये घर खरीद लिया या किराए का है? किराए का। वाह क्या समझदारी है। यहाँ तुम लोग कब तक रहने वाले हो? जब तक ये खत्म नहीं हो जाता हम यहीं रहेंगे। अरे झंडू बांध तू कैसी बातें कर रहा है, मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। हम जिस काम से आए हैं वो काम खत्म होने तक। अगर पशुपति राजू का केस है तो वो काम नहीं होगा। ऐसा क्यों? इस आदमी के जैसा घूस लेने वाला भिखारी नहीं हमारा ऐसा ही। लेकिन एक समस्या हो गई है, कल्लू कालिया जेल से भाग गया है। ये ऐसी हक्का बक्का दिखा रहा हूं। हक्का बक्का मत बुलाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे माँ बाप ने मेरा नाम राधेश्याम रखे है, समझा? मेरा नाम क्या है? राधेश्याम। इसी नाम से बुलाओ। अच्छा वो रहने दो, अगर तुम्हारा ऐसा ही इतना ईमानदार है तो उसने झूठा केस बनाकर परशुनाथ राजू को गिरफ्तार क्यों किया? क्या क्या बोला तू? झूठा केस किसने बताया? एकदम सही सबूत और गवाहों के साथ उसे गिरफ्तार करके अंदर डाला गया है। किसकी गवाही किसका सबूत? क्या सबूत है बताऊं क्या? बताओ। पुलिस वालों को लल्लू समझ रखा है, 1 by 1 बताओ, लेकिन ओवरफ्लो मत बताना। नंबर 1 पुष्पेंद्र, वो नंबर 1 गवाह। यही फिर 2 नंबर 2 के लिए जाना। वो लड़का लड़की सुजी वो भी गवाह है ना। फिर नंबर 3 पुष्पेंद्र की चिट्ठी, पूरे डिटेल में लिखी है। अबे हक्का बक्का क्यों पुलिस की तहकीकात की पोल खोल रहा है तू? अगर अपने ईमानदार एसआई को ये बात मालूम पड़ गई तो? अगर ये सबूत और गवाह कोर्ट तक नहीं पहुँचे ना तो तेरा एसआई एक बाल भी बाका नहीं कर सकता है। ए भाई वो अरे यार काले उठा लिए अब। अबे ये सब झूठन पीते हैं ना इसलिए उठा ले गए। तो अपने को जाना पड़ेगा। बुलाया क्या? चल भाई बहुत ज्यादा हुई। कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? तुम वो कुंदनलाल कालिदास की बेटी हो ना? हाँ। क्यों हंस रहे है? नहीं तुम बड़े स्टाइल से 2-व्हीलर पर सवार होकर जा रही हो, हा? अगर तुम्हें अभी कुछ हो गया तो तुम व्हील चेयर पर कैसी लगोगी वो सोच के हंस रहा हूँ मैं। क्या चाहिए? इसने क्या बोला समझी नहीं? झूठा केस में उसको अंदर किया ना तेरा बाप, इस केस में कैसे भी इन्फ्लुएंस लगाकर और उस केस का प्रोसिक्यूटर भी बनकर झूठी गवाही तैयार करके अगर पशुनाथ राजू को जेल भेजने की सोच रहे हैं तो अपनी बेटी को गवा देंगे। देख ऐसे तेरे बाप को समझा देना। चलो सुनो, हम बहुत बड़े गुंडे हैं, इतना मारेंगे कि हमेशा याद रहेगा। वो जो आए थे वो पार्टी वाले थे या टपोरी थे या गुंडे थे? मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। हाँ। वो सोमवार थे, मंगलवार थे या बुधवार थे, वो सब सारे सनी हैं। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? गाड़ी निकालने बोलो। गाड़ी? बेटी तुम मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। पुष्पेंद्र अंकल है ना इधर। ऐसे मारो वैसे मारो, घुमा के मारो, 2-4 पराठा खाकर ऐसे 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 ऐसे। यही है पप्पू। तो ये कौन है? गप्पू है। ए चतुर मणि, ये सब जितने भी हैं सब शनि दरिद्र है। जब चतुर मणि का नाम सुना तो मैं सोचा कोई छोटा मोटा आदमी होगा, इसका साइज तो बहुत सॉलिड साइज है, बिल्कुल वहल मछली जैसा। चलो चलते हैं। जैसे भी हो इससे 2 बातें कर लो, ज्यादा जोर मत लगाओ, इन सब के साथ शांति से पेश आओ। ए, क्या चाहिए? एक बेचारी लड़की को बीच रास्ते में घेर के धमकी देते हो, अगर मर्द है तो मर्द को धमकी देकर दिखाओ। टोनी वो डर के भाग गया। क्या भाग गया? डरपोक। कौन डर गया? किससे डर गया? तुमसे? कितने बड़े गुंडे हैं तुम्हें नहीं मालूम? वो आदमी जो अंदर गया है तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम। पूरी दुनिया में पूछ कर देखो, सब कांपने लगेंगे उनका नाम सुनकर। 9 मर्डर केस, 13 चाकू मारे और 23 अपहरण के केस है। अभी भी इनका नाम कितने स्टेशनों में लिखा हुआ है? बोलिए। बहुत बोलिए। केले काटने का केस होगा वो नौकरी,
क्योंकि ओरिजिनल खून का केस मैंने वकीलों को कोर्ट में लड़ते हुए देखा है, सुना है, ये सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हुए देखा है। चलो यहाँ से जाओ। अगर दोबारा तुम लोगों ने किसी को भी धमकी दी तो समझ लेना तो ये कुंदन लाल कालीदास चुप नहीं बैठेगा। इतना भी बड़ा तोप हो हम उसे दौड़ा कर मारते हैं। अगर डर लगता है तो घर में जाकर दरवाजा बंद कर लो। जब सूर्य ग्रहण के समय सब लोग अंदर रहते हैं तभी तुम लोग बाहर निकलना, समझ गए तुम लोग? उस समय रोड पर कोई नहीं मिलेगा ना। और सुनो, चतुर्मणि ने एक बार बोल दिया तो समझो हो गया। उन्होंने कह दिया कि परशुनाथ राजू को हम जेल से बाहर निकालेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए। वकील साहब ये बात याद रखना, अब यहाँ खड़े मत हो, भागो यहाँ से, भागो। अच्छा मुझे भी जाने को बोला है। चलो दारू पीने चलते। हेलो। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मच्छर मारा, बड़ी मुश्किल से मारा है। गांव के सभी मच्छर मेरे खून चूस रहे हैं। क्यों, सोई नहीं अभी तक? नहीं, आप किधर हैं? बीच रोड में, शक होने वाली गाड़ी को पकड़ने के लिए। एसपी को मालूम होने के बाद ज्यादा काम हो गया है। ठीक है ठीक है, फोन करोगे ना? हाँ, गुड नाइट। अरे क्वालिस बोले थे ना, इसको जाने दो। हाँ चलो जाओ जाओ, जाओ। चलो निकलो, जाओ जाओ।
जैन सर। सर बैठो। नहीं नहीं हम कल ही ठीक है। दर्द कैसा है सर? अभी दर्द कम है, 3-4 दिन और रेस्ट करने के बोले डॉक्टर ने। ट्रेजरी के पेपर का काम हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ अच्छा हुआ साहब बच गए, ठीक है ना। क्या हुआ सर? उस दिन आपको किसने बचाया था? चतुर्मणि। हाँ जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, वो अच्छा आदमी है। मुझे ड्यूटी ज्वाइन करें तो फिर बताऊंगा। अच्छा हम चलते हैं सर। हाँ। सर अरे बाप रे पैर में मार दिया। हाँ। बड़ा बदमाश है। हेलो आप ठीक तो है ना? अरे मेरी भगवान मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी बात का विश्वास करो। चाहिए तो मैं तुमको मिलने आता हूँ, ठीक है? हाँ चलो चलो भाई उधर जाओ उधर जाओ उधर उधर इधर हाँ उधर उधर इधर चलो। कौन है? मैं तेरी माँ। हाँ मैं आया। आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। और कितने दिन चुप होके बेटा? उस केस में तो एक आदमी पकड़ा गया, फिर तुम यहाँ चुपके क्यों बैठे हो? एसआई की मार से बचने के लिए माँ। बताओ तुम उस एसआई से क्यों इतना डरते हो? कोई कारण है? मुझे भी जानना है। मैं नहीं बता सकता हूँ। पैसे किधर हैं? नहीं लाई हो? मुझे बताओ क्या बात है? खाली हाथ आई हो? ठीक है जाओ बेटा। हाँ हाँ किधर है चतुर्मणि? यहाँ नहीं है। किधर गया है? मुझे नहीं पता। तुमको इतना अहंकार क्यों है? इसका खुद का 5 SLC ब्रोक है इसलिए। किधर गया है? सर जो मुझे नहीं मालूम सर। नहीं मुझे बताकर कभी नहीं जाते। हाँ फिर क्या, मुझे गुस्सा आ जाता तो मालूम नहीं पूछने पर भी बोले जा रहा था। आप यहाँ क्यों आ गए सर? अंदर बैठे हुए चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं, तेरे सर को मिलने आया हूँ। जखम ठीक हो गया ना सर? सारा कार वो पीछे से मारते हो, अगर मर्द है तो आगे से वार करना। मार के पहले मुझे घायल करता है फिर बचाता है, ठीक है? इससे ज्यादा भी करते थे तो भी मेरा मन पिघलता नहीं, गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा, अंदर जो है ना अंदर ही रहेगा। अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। शायद तुम कल्लू के पार्टनर हो। चुप है, वो कुत्ते की औलाद किधर है? बोल यहाँ मेरे खीसे में निकाल ले। निकाल लूंगा, सिर्फ तेरे खीसे से नहीं तेरे मन से भी निकाल लूंगा मैं। ए, क्या यही बताने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे? वो अंदर जो है उसको बचाने के लिए मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। क्या क्या हुआ बहन? भैया इस रूम में एक आदमी आया था चादर ओढ़ के, मैं जैसे ही बाथरूम से निकली तो वो मुझे देखकर यहाँ से भाग गया। भैया वो कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भैया। क्या मिल गया? भाग गया सर वो। तुम लोगों पे भरोसा करता हूँ मैं? हमारे लॉकअप से मुजरिम भाग जाता है, यही चरित्र है हमारे स्टेशन का। इधर आओ। मैंने जो बताया याद है ना, सिर्फ उस दिन ही नहीं, पशुनाथ राजू इस घर में कभी भी नहीं आया। वो आया था ऐसा मैंने पुलिस को बताई। वो तू पुलिस को बताई, जो कोर्ट में बोलना है वो मनी भैया अभी बता रहे हैं। जो बताया अगर वो बदल के बोली तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। बदल कर नहीं बोला तो हम तुझे मार डालेंगे। तुमको किसके हाथ से मरना पहले ये तय कर लो। जो बोले वो सुनो बच्ची सुशीला। तेरे बेटे और जिस लड़की की मौत हुई है दोनों के बीच अच्छा संबंध था ना? मुझे ज्यादा नहीं मालूम, उसे प्यार करने वाली बहुत सारी लड़कियां, उसने ऐसा बहुत सी लड़कियां उसको प्यार करती है। क्या तेरा बेटा कामदेव है? तुम्हें मालूम नहीं कितने लोग लिस्ट में है? बच्ची सुशीला। मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक कर रहा था। तेरा बेटा अभी किधर है? पुलिस के डर के मारे वो यहाँ नहीं आ रहा है। वो पुलिस से क्यों डरता है? उसी को अपने बारे में शक है।
बच्ची सुशील है। उसी ने खून करके घाटी में फेंका था ना। वो अकील कुंदनलाल के साथ एक आदमी भी रहता ना, जिसने खत लिखा था इकलौता गवाह, क्या नाम है? टोनी, उठा ले उसको। उठा लेते। पुलिस से या कुंदनलाल से, तुमने जो भी कहानी बताई हो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुमको मालूम है ना कोर्ट में क्या बोलना है? हाँ मालूम है। मैंने वो खत नहीं लिखा था। हादसे के दिन मैं कहीं नहीं गया था। पशुनाथ राजू या उस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था। ये कहीं तुमने बदल के बोला ना? नहीं, नहीं बोलूंगा। सुन सुन, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। अबे भोंदू, क्या हो गया तुमको? बताओ। उस दिन मुझे बीच रोड में धमकी दिया था ना, सेम आज इनको भी दिया। अच्छा हो। मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं, दोनों तरफ से मार खाता हूँ। बोला तो यहाँ मारेंगे, नहीं तो वहाँ मारेंगे। मैंने उसी दिन बोला था, जो नहीं देखा उसको मत बोलने को बोलो। बोलो, क्या बोलने को बोले? जिस दिन खून हुआ था उस दिन मैंने राजू को नहीं देखा, ऐसा कोर्ट में बोलने को बोला। नहीं तो उस दिन मैं आखिरी सांस लूंगा। ओहो, तीन चार। आप सिर्फ झूठा केस बनाना जानते हो, ऐसा जो सच है ना उसके बारे में कुछ नहीं करते हो। उपदेश देती है। मैं बताता हूँ, निकालो। अबे कोर्ट नहीं, पेपर, कंप्लेन लिखनी है। तुम कहाँ गए थे? मैं शहर तक गई थी। ये बताने के लिए इतना सोच रही हो? तुम्हारा बेटा दोस्त की शादी से वापस आ गया है? आकर फिर चला गया। कहाँ गया? वो तो नहीं मालूम है सर, नौकरी के सिलसिले में गया। क्या तुम शहर में तुम्हारे बेटे से नहीं मिली? नहीं सर। फिर वो शहर में कहाँ रहता है? कसम से कुछ दिनों से मुझे उसका कोई खबर नहीं है। तुमको सब कुछ मालूम है? मालूम होके भी छुपा रही हो। अगर वो हाजिर होता तो सब कुछ ठीक होगा। अगर मैंने उसको ढूंढ निकाला ना तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। सर, उसने क्या गुनाह किया सर? अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया तो छुप क्यों रहा है? अरे रे। नमस्कार। माफ कीजिए, मैं कंप्लेन लिखाने स्टेशन जा रहा था, आपकी जीप यहाँ देखी तो रुक गया। सर और कुछ नहीं है कसम से। सर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए सर। मेरी बेटी के साथ जो बदतमीजी की सर, मैंने सब माफ कर दिया, सिर्फ एक कारण के वजह। वो रास्कल को आपके जैसे ईमानदार ऑफिसर ने अंदर कर दिया है, सिर्फ उसी कारण। मैं उस पर तरस खा गया। आपका गांव कोल्हापुर है ना? कोल्हापुर है ना? सेशन 121 के सारे इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपको दे दिए ना? तुमने केस फाइल कर दिया ना? फैसला मैं कर लूंगा, अब आप जाइए। मैं जाऊं ना? नहीं, अंदर भी जगह है। मैं कोल्हापुर से हूँ, ये नहीं जानना चाहोगे क्या? कुछ नहीं है कसम से। नमस्कार। चलो चलो चलो। अरे बोलो बोलो, कोई है अंदर? बोलो। अरे कहाँ चले गए? चले किधर को? क्या बात है सर जी? यहाँ तो कोई नहीं है। साले टपोरी बच निकले। सर घर में तो ताला लगा हुआ है। हाँ बैठो। कांप क्यों रहे हो? वो सर अंदर। क्या क्या है? साफ साफ बताओ। देख लीजिए सर। Thank you.
मैं राजा मणि, डीवाईएसपी क्राइम ब्रांच, सब इंस्पेक्टर प्रकाश, सब इंस्पेक्टर थॉमस। चतुर मणि सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस था, अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं सर? बहुत सारे सवाल और भी तुम्हारे मन में होंगे। सबका जवाब मिलेगा जब वक्त आएगा। सर, उस लड़की की मौत की वजह से हमको यहाँ पे आना पड़ा। उस केस में एक आदमी को अरेस्ट कर चुके हो, लेकिन और भी किसी पे शक है, सिर्फ तुमको ही नहीं, ये सबको होगा। गांव वाले जैसे क्राइम ब्रांच पे विश्वास ही नहीं करते। उनका कहना कि दबाव में आकर मैंने पशुनाथ राजू को अरेस्ट किया है। नो नो नो, नेवर। गांव वालों की बातों को सुनकर हमने फैसला नहीं किया है, और पशुनाथ राजू को बचाने के लिए हमने जो बर्ताव किया, तुम उसको कोई बड़ी बात मत समझो। गुस्से में और जोश में हमारे यहाँ रहने से बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। अब आगे की छानबीन करने के लिए अब गेस्ट लुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी सर, आपने गेस्ट लुक क्यों अपनाया? सबका कारण है, वक्त आने पर बता दूंगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ सर, मैंने आपको नहीं पहचाना और मैंने आपको नथिंग टू वरी। जो तुमको करना था तुमने वही किया है ना? करेक्ट सर, इतने राउडी स्टेशन में घुस गए तो आपने सही किया, लेकिन बाकी लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तुम लोग क्राइम ब्रांच वालों से भी 500 रुपए घुस लेते हो। ओके राजन। तूने क्या बोला था? तेरा फिक्स रेट है 500 रुपए, तुम्हें चाहिए ही चाहिए। हाँ फिक्स रेट है सर। हाँ क्या बोला, 500 तेरा फिक्स रेट है? नहीं सर, 500 के बदले 1000 वापस कर दूंगा। मुझे कुछ मत करिए सर, मैं बहुत गरीब पुलिस वाला हूँ। तुम्हें पता है घूस लेना और देना दोनों क्राइम है? सर आप भेष बदल के आएंगे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मुझे मुझे तू ही बता। मुझे किसी भी तरह से ड्यूटी पर बुला लीजिए सर, अभी मैं सस्पेंशन में हूँ। देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो डिसमिस कर दूंगा। ठीक है सर। बाप रे, मैं सच बोल रहा हूँ सर, अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा सर, दिमाग खराब होगा, लेकिन सब मालूम पड़ जाएगा। फिर भी तहकीकात जब भी करेंगे तुम हमारे साथ ही रहोगे, है ना प्रकाश? सही बात है सर, आपके साथ हूँ सर। ओके देन। फिर वो पशुनाथ राजू के साथ हमारी जो बात हुई उसको कोर्ट में मत बताना सर, काफी दिन से पुलिस कस्टडी में, फिर भी वो अपराधी है, हमने ऐसा फैसला नहीं किया है। हाँ समझ गया सर। ओके राजन, बाय सर। कसम से सर, वो लोग क्राइम ब्रांच से ऐसे ही मुझे डराने के लिए बोल रहे हो ना? नहीं सर, हक्का बक्का और 500 दोनों ने मुझे बार बार बताया कि वो क्राइम ब्रांच वाले हैं। पता नहीं अब कौन से नए वेश में हमारे घर आने वाले हैं। किधर, किस लिए? आपको मालूम उन्होंने क्या बताया था? चोर, तपोरी, मगरमच्छ सबको मार चुके हैं। थोड़े दिनों के लिए मैं सोच रहा हूँ एक लॉन्ग लिप पे जाऊँ तो कैसा रहेगा। आदमी के बदलने का केस, स्मूथ केस, सेक्शन 121, इसमें मस्त बैठेगा। क्राइम ब्रांच को भी थोड़ा मैं उंगली करता हूँ। सच तो ये है कि आप कुछ नहीं कर सकेंगे। नथिंग। पहले बोले राउडी है, गुंडा है, ये सब आपने मुझे बताया था। अभी तो अलग बात बता रहे हैं। क्या आपने उनके बारे में पता लगाया? पता लगाया लगाया, वो सही आदमी है। क्यों वो सीधे नहीं आए, क्यों वो वेश में आए? वो तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से आए थे। जब मैंने पूछा ऐसे वेश में क्यों आए तो बोले वक्त आने पे बता दूंगा। अच्छा। टपोरी और बेवड़े का तो समस्या है ही, और अभी क्राइम ब्रांच का और तहकीकात में मुझे भी साथ में रहना पड़ेगा। मौका मिलने दो, मैं बताता हूँ उन लोगों को। देखो अगर सिर से टोपी भी गई तो ना। हेलो, मैं राजा मणि। सर 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 सर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट सर, वन मिनट सर 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 सर, मैं पत्नी के घर में हूँ सर। सर एनीथिंग अर्जेंट सर? नथिंग अर्जेंट राजन। उस केस के सिलसिले में हम लोगों को कुछ जगह पे जाना पड़ेगा सर, कुछ लोगों से पूछताछ भी करनी पड़ेगी। सर मैं आ जाऊं? जरूरत नहीं है, रात को मत आना, सुबह आ जाना सर। ठीक है राजन सर। अरे तुम इतना हंस क्यों रही हो? वही थे ना? हाँ वही थे। फोन पर भी इतनी इज्जत करते हैं ना, अभी तो बहुत कुछ बोल रहे थे उनके बारे में, क्या याद है? यही है पुलिस, चलो। सर उसी जगह पे उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। हेलो
ओके सर, ओके ओके। और तुम ऊपर से उसको कंट्रोल करना, ठीक है सर, है ना? अर्जेंटली प्रोस्टेशन से फोन आया था, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा सर। और ये लोग तो है ना मेरे साथ सर, ठीक है, ओके, साथ में रहना, कोई जरूरत पड़ सकती कभी भी। सर, पुष्पेंद्र के गवाही के मुताबिक वो हादसे के दिन यहीं खड़ा था। उस दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी ना? नहीं सर, हल्की बारिश हो रही थी, कुछ जगह पर ही हुई थी, ज्यादा नहीं। वो सीढ़ी के सामने सुशीला का घर है सर। क्या तुम अक्सर सुशीला का घर विजिट करते थे? नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम वैसे नहीं हो। मेरा इशारा क्या, वो तुम 500 रुपए लेने जाते थे वहाँ पे? हाँ, नहीं सर, कभी कभी जाता था सर। प्रकाश सर, सर सर, नमस्ते सर। उस दिन के वेश में हम नहीं हैं, इसलिए डरो मत, खुलकर बात करो हमसे। ठीक है सर। तुमने जो भी पुलिस को बताया वो सच है क्या? उस दिन परशुनाथ राजू तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ में था क्या? उसी के बारे में पूछ रहे हैं थे सर। उस दिन जब पुलिस तुमसे पूछताछ कर रही थी तो तुमने बताया शशि तुम्हारे बेटे की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, कौन है वो लड़कियाँ? मुझे नहीं मालूम है सर, हो सकता है वो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हारा बेटा तुमसे मजाक क्यों करेगा? कसम से मुझे कुछ नहीं। तुम्हारा बेटा किधर है? अपने छुपे हुए बेटे को बाहर निकालो। मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, बहुत दिनों से मैं उससे नहीं मिली। फालतू की बातें मत करो, वो जहाँ भी होगा हम लोग उसको पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो खुद आता है तो उसके लिए अच्छा होगा। जाओ प्रकाश। कैसी हो? अरे बहुत देख लिया उसे, उसकी एक्सपायरी डेट चालू हो गई है, अभी भी पीछे लगे हो। हमारे गांव के सर, बहुत अच्छी फ्रेंड है सर। वो सब समझता हूँ मैं। आप बहुत नटखट है, आपने तो अपना बेस ही बदल डाला। आप समझा करो, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो आपका चेहरे देख कर ही समझ गया था कि क्या कि आप बहुत बड़े आईजी हैं। सर आप तो बहुत बड़े पुलिस वाले हैं। हाँ। तुम्हारे चेहरे पर भी है क्या? एक चोर का लक्षण। अच्छा, ये क्या है सर? मैंने क्या किया है? वो जो अंदर बैठे हुए हैं उनसे चलकर बोलो। सर को बताने से बस है? बस। चल। समझ गया, अभी मेरी बारी है। जय माता दी, पर्वत की देवी, जय माता दी। मैं आपको देखते ही समझ गया था। मेरे चेहरे पर पुलिस की छवि है ना। सुनो क्या कह रहे हैं? सुनता हूँ। अपने मालिक कुंदन लाल के खिलाफ झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए कुछ सवाल मैं तुमसे ही पूछूंगा। पूछिए। उस दिन परशुनाथ राजू ने उस लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाया था, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था क्या? सच है? राजू को या उस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं देखा था, वो खत भी मैंने नहीं लिखा। सुनो सर, उस दिन जो बोले थे वो अब दोबारा नहीं। सर अभी जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका जवाब देते जाओ। जबरदस्ती लड़की को कार में बिठाकर ले जाते हुए तुमने देखा था? बोलो। बोल। बोलता हूँ। राजू ने लड़की को जबरदस्ती की, लेकिन वो नहीं बैठी, मैंने इतना ही देखा था, बाकी सब वकील का काम था सर। लेकिन कौन है? प्रकाश सर। वो कौन है देखो? अभी देखता हूँ सर। इधर आओ। हाँ सर। वो आदमी कौन है? कौन है? कौन है? मैं हूँ। दिखता नहीं है सर। अच्छा दिखता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कौन है। कौन है? इधर कैसे? इधर। तुम इस आदमी को जानते हो? फिर क्या, ये अपना रमन्ना है, कुंदन लाल सर का गुमास्ता। सर ये आदमी मेरे पीछे पीछे आया है। क्यों आया? यू ही मेरा साथ देने।
मैंने कल रात एक आदमी को देखा भाभी के साथ। किसको देखा? एक आदमी जेल से भागा था ना, वो चोर, वही आदमी लगता है। उसको तुमने कहाँ जाते हुए देखा? वो पहाड़ के नीचे एक घर है। वहाँ तो जंगल है। हाँ, मैंने उनको वहीं देखा था। वहाँ तो एक टूटा फूटा घर भी है। उस आदमी को मैंने इसी घर में जाते हुए देखा, समझे? उस दिन जेल से भागने के बाद बिना कोई बात छुपाए सर को सच सच बताते साले। मुझे भी सब कुछ बताने का मन है सर। कल्लू बताओ। बताता हूँ, जेल से भागकर मैं एक घर में जाकर छुपा था। वो बहुत खराब था। उधर मुझे 3-4 जोड़ी कपड़े, एक मोबाइल फोन और थोड़े पैसे और एक दारू की बोतल भी मिली। फिर मैं घुसा दूर के एक घर में। क्या उसी दिन? नहीं, दूसरे दिन। देखिए औलाद, तूने ऐसा क्यों किया? राजन सर, प्लीज, तुमने छीने हुए गहने क्यों नहीं लेकर गए? जब मैंने उसके चेहरे पर घबराहट देखी तो मुझे अपने गुनाह का एहसास हुआ, इसलिए सर।
उस दिन उस घर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम उस औरत को फिर मिले? Am I right? Yes, sir. बहुत बार मिला. कहाँ देखा? क्यों? सर उस दिन के बाद उसको मैं भुला नहीं पाया. दोबारा मिलने को दिल कर रहा था सर, लेकिन मुझे उससे मिलने का या बात करने का मौका नहीं मिला सर. मुझे बहुत गुस्सा आया. मोबाइल पे जो फोटोग्राफ्स थे उन फोटोग्राफ्स को गांव वालों को दिखाने की धमकी दी तो अब तो तेरी ना। सर सर इज्जत की वाट लगाने की धमकी दी तो वो आई सर घर के बाहर. मेरी बताई हुई जगह पर आई थी सर. बेचारी पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, मेरी इज्जत मत उछालो. मुझे बहुत दुख हुआ सर. जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मुझे हमदर्दी हुई, फिर मैंने उसको नहीं छुआ सर. अभी क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, बस हमदर्दी है सर. क्या हमदर्दी, क्या बेचारी. अगर प्यार नहीं करते तो वो औरत तुमको बचाने के लिए यहाँ पे इनके सर पे मारती? वो सर जब ये मेरा गला दबा रहे थे तो उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, बस इसलिए सर उसने. तुम्हारी ये बात मुझे कुछ ठीक नहीं लगी. ठीक है सर. अब सही बताएगा सर. दिन हफ्ता या महीने से नहीं, वर्षों से वो औरत इस सब इंस्पेक्टर को जानती है. तुम दोनों एक दूसरे से कुछ दिन से परिचित हो, वो भी बाहर से नाजायज संबंध, और तुमको बचाने के लिए एसआई के सर पर मारी. ये सोचूं तो इसमें जरूर और कोई कारण हो सकता है. क्या है कल्लू? कसम से बोलता हूँ सर कुछ नहीं है. बोल, बोल, अरे टेल मी. बता दो सर, मैंने उसको धमकी दी थी तो वो मिलने आई सर. बहुत बार आई ना? हाँ सर. पहले जैसे तुमने फिर उसकी इज्जत लूटी? हाँ सर. फिर वो खुद आने लगी तुम्हारे पास? हाँ सर. अगर ये बातें बाहर मालूम पड़ी सर तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए मैंने पहले झूठ बोला सर. मेरी एक विनती है सर, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ सर. अब उससे इस बारे में पूछताछ करके अपमान मत कीजिए, उसको दुख होगा सर. वो हम देख लेंगे. इसको लॉकअप में नहीं सीधा जेल में डाल दो सर. सुनो सुनो, उसका अपमान होगा तो तुमको तो दुख होगा ना? हाँ सर. अगर ऐसा है तो तुम दोनों को साथ में आते हुए जाते हुए और कुछ करते हुए वो मरी हुई लड़की देखी होगी तो? आप क्या बोलना चाहते हैं मैं समझ गया सर, लेकिन कसम से उस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा. वो लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने देखा तो वो मुझे याद आया. जेल से भागने के 3 दिन बाद मैं सर दारू पीकर आ रहा था तो दूर से मैंने कुछ देखा था. वो दोनों कौन थे? मैंने दूर से देखा था, फिर 3-4 दिन के बाद ऐसा सुनने में आया कि उस लड़की की लाश मिली है. जाओ. क्या आप उसकी बात पे विश्वास करते हैं सर? फिलहाल विश्वास या अविश्वास का नहीं है, एक खूनी सच बता सकता है लेकिन कोई चोर सच बताएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट. हेलो मिला, गुड, मैं अभी आता हूं. सर लोकल पुलिस ने शशि की माँ का पीछा करते हुए उसके घर का पता लगा लिया. खबर मिलते ही हमने उसे कस्टडी में ले लिया. देन कम ऑन. राजन सर तुम इधर आओ. गुड मॉर्निंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है.
हमारा वेश बदल कर आने का कारण समय आने पर बताऊंगा बोला था ना? यस सर। अभी वो बताने का समय आ गया सर। एक लेटर ही कारण था क्राइम बैच को इसमें आना पड़ा। पुष्पेंद्र का लिखा हुआ? नो 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 नो, वो नहीं। मैं एक इनलाइन लेटर के बारे में बता रहा हूँ। प्रकाश सर, उस लेटर का कंटेंट ये था, वो लड़की आत्महत्या के बारे में सोच रही थी। क्लास में सहेली उसका मजाक उड़ाएंगी, ऐसा डर और दुख उस लड़की को था, इसलिए उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेटर तो बेनाम था, जिसने लिखा था उसका नाम पता भी नहीं था, लेकिन पोस्ट यहीं से किया था। बेनाम खत होने से भी उस पे जो बाहर का पता लिखा था वो साफ है। मुंबई शहर के आदमी को डीजीपी ऑफिस का पिन कोड मालूम हो सकता है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर इस गांव में अगर कोई ये पिन कोड पक्का जानता था तो वो भी खत लिखने वाली लड़की को जरूर पहचानता होगा। क्राइम ब्रांच को जो पहला शक हुआ वो ये लेटर से। पुलिस की तहकीकात अपने तक नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी सोची। ये जिसने खत लिखा उस लड़की की नोटबुक है, दोनों की हैंड राइटिंग एक ही है और वो अच्छी तरह से मालूम भी हो गया है। उस लड़की का प्रेमी शशि अभी तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में। ये खत लिखी हुई लड़की भी शशि से प्यार करती थी ऐसा मालूम पड़ा। वो लड़की कौन है सर? वो जिससे प्यार करती थी वो प्रेमी दूसरे से प्यार करता था, उसका दुख, जलन, बेचैनी, क्या यही इस खून का मकसद है? और क्या पुलिस को गुमराह करने के लिए उस लड़की ने बेनाम चिट्ठी लिखी? कल्लू ने पूछने पर बताया कि पहाड़ के ऊपर दो औरतें आपस में बात कर रही थी। कौन है सर खत लिखने वाली लड़की? मिस्टर राजन और उनके पुलिस वाले साथी एक चादर ओढ़े हुए आदमी के पीछे भागे थे ना, वो आदमी कौन था? ये नोटबुक लेने के लिए ही मैं आपके क्वार्टर में घुसा था। मधुमती भाई, आपने जो भी सुना वो सच है। वो लेटर मैंने ही लिखी थी। वो एड्रेस और पिन कोड मुझे आपके एक फाइल से मिला था। तुमने ऐसी चिट्ठी क्यों लिखी? आत्महत्या दिखाने के लिए, ताकि मुझ पर कोई शक ना कर सके। तुम और शशि क्या प्यार करते थे? करते थे। कितने दिनों से? बहुत दिनों से। क्या ये उस लड़की को मालूम था? मालूम था, मैंने उसको बताया था। फिर? सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे प्यार करने लगी। मैंने जब पूछा तो उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली गई, लेकिन मैंने खुद देखा था। बाद में मैंने उसे साफ साफ पूछा भी, क्या तुम वाकई में मेरी फ्रेंड हो? इसमें क्या शक है? शक है, जब तुम्हें सब कुछ मालूम है फिर भी तुमने ऐसा किया? मैंने नहीं छीना शशि से, जब मैंने उसको तुम्हारे बारे में पूछा उसने कुछ नहीं बताया। उससे प्यार करने से पहले मुझसे पूछती क्यों? क्या मुझे अपनी पसंद के बारे में तुमसे पूछना होगा? टेंशन मत लो, मेरी बात जरा सुनो। की गवाही को मैंने पूरा लिख दिया है सर। ये मेरा रेजिग्नेशन सर। मधुमती, क्या मैंने जो सुना वो सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं
बोलो बेटी, मैंने जो सुना वो सच है? मैं विश्वास नहीं करता। इसके भाई को बचाने के लिए तुम इतना बड़ा बलिदान दे सकती हो? पिताजी मुझे बोलने दो, मैं बोलूंगा, तुम चुप रहो। हाँ तुम बोलो, क्या तुम्हारे भैया ने बताया? पहले तुम अपना गुनाह कबूल करो, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये कैसे जमाना है भगवान। चिल्लाओ मत, अंदर साहब बैठे हुए हैं, अंदर आवाज जा रही है। सुनने दो, सब ऑफिसर को सुनने दो, आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ। आज का दौर एक साथ चलने का, फिर क्या जबरदस्ती है? अरे ऐसे क्या गांव सुधारने की कोई जबरदस्ती है? जिसको जो मर्जी आया वो कर रहे हैं, वैसे ही ये पुलिस वाले हैं। कोई भी गुनाह करके बच सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुनहगार कुत्ता बिल्ली या हाथी भी हो सकता है, बस उनका काम हो गया। पिताजी चुप रहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया, जोश में आकर ये लोग किसी को भी अंदर बंद कर देते हैं। अभी एक नए आदमी को पकड़ लाएंगे। मिस्टर कुंदनलाल, हाँ इस गुनहगार को बचाने के लिए क्या कल दूसरे गुनहगार को ले आएंगे? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए सर। तुम यहाँ हंगामा करोगे हम होने नहीं देंगे। बेटी पिताजी को लेकर जाओ। आइए पिताजी, हम चलते हैं। हम चलते हैं, मगर ये वर्कआउट नहीं होगा। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, हटो। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा। यहाँ का सारा नाटक मैं खोल के रखूंगा। ये चैलेंज है मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं एडवोकेट कुंदनलाल कालिदास हूँ। हे गाड़ी चलाओ। ये यहाँ पे क्यों आए? खूनी को अरेस्ट करना ना सर, यहाँ लेडी कांस्टेबल नहीं है, इसलिए दूसरे स्टेशन से बुलाए। इनको जाने दो सर, अगर वो चले गए तो जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे। सॉरी तुम लोग जा सकते हो। सर धक्का देने वाली तुम्हारी बहन थी उसमें शक नहीं, लेकिन उस लड़की की मौत कैसे हुई ये मालूम करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। चलो हम बात करते हैं राजन, चलो। मौत के समय लड़की ने इसी कपड़े को पहना था, समझ गए सर। धक्का देकर गिरने के बाद वो लड़की कैसे जिंदा रही? देखो ये जो मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं शक होने लगा। नीचे गिरने से ये मिट्टी या पेड़ के पत्ते का निशान कपड़े में दिखाई दे रहा है सर। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि ये मिट्टी या पेड़ के पत्ते का ये निशान नहीं है, ये गोबर का निशान है, ऐसा मालूम पड़ा। उस घाटी में गोबर कहाँ से आया सर? कहीं से नहीं आ सकता है, फिर भी ये निशान कपड़े में है, वो कैसे? और अगर हम पूरे वाक्या को देखें तो एक चीज समझ में आती है, ये उसको खींचते समय उसके कपड़े पे गोबर के निशान लगे हैं। सर पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से जहाँ पर लड़की की बॉडी मिली थी हमें वहाँ पर जाकर फिर से देखना चाहिए, वहाँ पर गोबर किसी जगह दिखाई नहीं दिया। फिर ये निशान उसके कपड़े में कैसे आया? और फिर इसी बात को हम सोचने पर मजबूर हो गए। अगर खून का खुलासा होना है तो दो सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। एक, मधुमिता का धक्का देने के बाद वो लड़की जिंदा कैसे बची, फिर उसका खून कैसे हुआ। फोन में इंस्ट्रक्शन दूंगा। ठीक है सर। रेडी सर।
बस यही लैंड करना है, गो राइट। स्टॉप। रुको रुको, क्या है आपकी बेटी का है? हाँ सर। पक्का है ना? हाँ सर। धक्का देने से लड़की के गिरने की जगह है, और वो कैसे बची ये हमको मालूम पड़ चुका है। अब एक काम बाकी है, एक ही काम, बस निकलने के बाद उसको फिर से किसने घाटी में फेंका। पिछले कुछ दिनों की तहकीकात के बाद कुछ अजीब लोग मेरे शक के दायरे में आए, कुछ शक कुछ काम सुलझा नहीं पा रहा हूं। आज रात को मालूम पड़ जाएगा क्राइम ब्रांच को इसका क्लाइमेक्स तक पहुंचने को। उस लड़की के खूनी को कल सुबह तक अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर करने की कसम खाया हूं मैं। सर। मिस्टर मनी, जो कातिलों की जांच चल रही थी वो खत्म हो गई? हो गया सर। इस केस का ब्रीफ मेरे दी हुई रिपोर्ट में सर। यस, हमने पढ़ ली है सर। मिस्टर मनी, इस केस में बहुत सारे शक थे, आपने एक आदमी को अरेस्ट किया। यस सर। ऐसा करिए, आपने जिन अपराधियों को पकड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, बताइए मुझे। श्योर सर। उसको बताने के पहले क्राइम ब्रांच का इस केस में आना कैसे हुआ ये बताना पड़ेगा। यस सर। इस लेटर की वजह से क्राइम ब्रांच को इस केस में दखल देना पड़ा।
पहले जो तहकीकात कर रहे थे, ये खत लिखने वाली एक लड़की है और वो लड़की इस केस की तहकीकात कर रहे एसआई राजन की बहन है ऐसा मालूम पड़ा, तो स्वाभाविक रूप से मन में एक डाउट हुआ, जस्ट अ डाउट वेदर ब्लड इज थिकर देन वाटर। सगी बहन को बचाने के लिए एसआई राजन कोशिश कर रहा है, क्या उसी वजह से उसने पशुनाथ राजू पर झूठा केस बनाया? एडवोकेट कुंदनलाल का एसआई राजन के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है? लेट मी रिपीट सर, ये सारे सिर्फ शक ही थे। जब इतने सारे डाउट्स अपने आगे हों, तो खूनी तक पहुंचने के लिए हम सब ने मिलकर एक प्लान किया और मैं और मेरे साथी वेश बदल कर आए। लेकिन जो भी शक हम लोगों को था वो बेकार था, जो हम एसआई राजन के ऊपर कर रहे थे। एसआई राजन ईमानदार है पता चला, फिर हमें वेश की जरूरत नहीं पड़ी, निकाल दिया। अब जो खूनी पकड़े हम उन तक कैसे पहुंच सके उसका खुलासा, तभी हमारी तहकीकात एक अजीब सी मोड़ पे पहुंच गई, तभी हम लोग जाकर के खूनी को अरेस्ट कर सके। स्पेसिफिक रूप में बताया जाए तो एक ही आदमी के बात पे हमें शक हुआ था। कौन हो वो? इस केस का दूसरा मुजरिम, कैन आई कॉल हिम? ऑफ कोर्स, थैंक यू सर। राजन प्लीज। इस आदमी का नाम पुष्पेंद्र, उस वकील कुंदनलाल का ऑल इन ऑल, वकील के सारे अच्छे बुरे काम का ये साथी है। हादसे की रात को पशुनाथ राजू को उस घर के सामने देखा था, इस बात को लेकर ही इस केस के खुलासे की शुरुआत हुई। लेकिन उस बात पे शक करने का कारण हमारे तहकीकात के समय हुआ था। उस शक को दूर करने के लिए ही हमने इस आदमी को दोबारा उस घर के सामने ले गए। उस रात को तुम इसी समय पशुनाथ राजू को उस घर से निकलते हुए देखा था ना? सही है सर। हाँ, और पुष्पेंद्र भी यहीं खड़ा था ना? हाँ सर। तो उस समय रात हो रही थी? हाँ हो रही थी। तो उस समय जोर से बारिश भी हो रही थी? हाँ हो रही थी। प्रकाश ओके पुष्पेंद्र क्या वो कौन है? तुम अच्छी तरह से जानते हो, अपना गांव वाला है, रोज उससे मिलते हो ना? देखो मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? आ? आ? अभी पहचाना ना? अभी पहचाना। कौन है? अपना गुमास्ता। आ? गुमास्ता रामन्ना। हाथ में पेटी नहीं इसलिए नहीं पहचाना। यहाँ आओ गुमास्ता। गुमस्ता नहीं है, पशुनाथ राजू है। राजू तुम जाओ। थैंक्स। वो कैसे पुष्पेंद्र उस दिन पहचान लिया आज नहीं पहचान सके? सर मैं पुष्पेंद्र खुद अपने जाल में फंस गया। क्या याद नहीं उस दिन की बात? हम जो भाड़े के घर में रहते थे वहाँ तुमसे एक हमने सवाल पूछा था। उस दिन दिन के उजाले में गुमस्ता को सामने से नहीं पहचान सके, तुम्हें याद है ना? अब बचने का कोई रास्ता नहीं है पुष्पेंद्र। सच सच बताओ, उस दिन राजू को देखा था, झूठ है ना? क्या तुमने राजू को देखा? हाँ, मैंने नहीं देखा। फिर हम लोगों से इतना बड़ा झूठ तूने क्यों बोला? हु? क्या वो वकील कुंदनलाल के कहने? नहीं। फिर क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? मुझे मत मारो, बताता हूँ।
यही इस केस का पहला मुजरिम है। इसके लिए ही जिसको नहीं देखा उसका देखा करके पुष्पेंद्र ने झूठ बोला है ना? हाँ सर। सर इसका नाम राधेश्याम है एंड ही इज ए पुलिस कांस्टेबल बट नाउ अंडर सस्पेंशन फॉर सम अदर केस। क्यों राधेश्याम, तुमने पुष्पेंद्र को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था? सर मैंने पहले ही आपको बता दिया था ना। ए, मेरे से नहीं, सर लोगों को बताओ, जो मुझे बताया था वही दोबारा सर को बताओ। सर, बोल जल्दी से। कालिया कल्लू के जेल से भागने के बाद मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया था सर। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दुखी होने के बाद मैंने बहुत पी सर। पुष्पेंद्र भी मेरे साथ था उस दिन सर। सस्पेंशन के 3 दिन बाद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने कल्लू कालिया को चादर दी। वो तो बीत चुकी है सर, अभी रोकर और बोलकर क्या होगा? मेरे को आदत पीनी है। तो तुम जी भर कर पी चुके हो ना, क्या यहाँ से दुकान सामने है क्या? नहीं पता, मुझे पीनी है। दारू के लिए कहाँ जाओ? नीचे घुमा के घर पे जाओ और लेके आओ। हाँ, तुम जाकर आओ। अगर मैं नीचे गया तो ऊपर वापस नहीं आ पाऊंगा। नहीं नहीं, आज तुम दे दो, मैं कल दे दूंगा। हमेशा तो मैं ही देता हूँ। हाँ वो मालूम है। बेटी है पशुनाथ राजू की बहन की सहेली। वो यहाँ कहाँ से आई? यहाँ क्या हुआ सर? देखो तुम मेरी मदद करो वरना हम दोनों फंस जाएंगे। क्यों, मैंने क्या किया? सारा तो आपने किया। गलती हो गई है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम
मैं एक पुलिस वाला हूँ, कभी भी झूठा केस बना सकता हूँ, गुनहगार को निर्दोष, निर्दोष को गुनहगार बना सकता हूँ। मदद करोगे तो हम दोनों को कोई कुछ नहीं कर सकता, हम नहीं फंसेंगे। लापता का केस बनेगा, तहकीकात होगी, कल नहीं तो परसों बॉडी मिल जाएगी। मुझे डर लगता है सर। तुम डरो मत, सिर्फ मेरा साथ दो। अगर बॉडी मिल भी जाती है तो बचने का तरीका मैं बताऊं, ठीक है? सुशीला के घर से आते समय पशुनाथ राजू ने इसको नहीं देखा, फिर उसका नाम क्यों यहाँ आया इस केस में? चलो बताओ। उस घर से पशुनाथ राजू को मैंने आते हुए नहीं देखा, ये सच है, लेकिन उस लड़की को मैंने देखा सर। उस लड़की को यहाँ आते हुए देखा था, ये बात इसने यूं ही बताया था, बाकी रात शाम का विकृत दिमाग का काम था। ये कुंदनलाल और राधे श्याम के बीच का अनबन पुष्पेंद्र को मालूम था, और ये भी मालूम था कि कभी कभी राजू शीला के घर पे आता जाता है। फिर एक कहानी बनाने के लिए क्या चाहिए, बस बन गई ये कहानी। जब पुष्पेंद्र ने कुंदनलाल को बताया तो उसमें हाथ और पैर जोड़ना कुंदनलाल का काम था। सुशीला इस केस में गवाह कैसे बनी? सुशीला ने अपने बेटे को क्यों छुपाया? दोनों का बहुत बड़ा कारण था सर, बेटे को खून के इल्जाम में फंसाने की धमकी देने से, और उस दिन राजू शीला के घर गए ये भी झूठ बोले। बेटे शशि को छिपाने का कारण सिर्फ डर था सर, खूनी कोई और हो ही नहीं सकता था सर। इसके ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था सर, एक्सीडेंट विक्टिम्स नहीं तो अनाथ लाश, उन सब का सामान बटोरने में ये राधेश्याम का काम था। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इतने दिनों तक पुलिस से बचा रहा। मैंने उसको नहीं मारा सर, मैं उस दिन होश में नहीं था सर। अब जिंदगी भर अंदर रहोगे, होश में आ जाओगे सर। अब खूनियों को पत्रकारों को दिखा सकता हूँ? श्योर सर। देखो तुम लोग थोड़ा दूर खड़े रहो प्लीज। ए आगड़ा, उनको मुजरिमों से दूर खड़े रहो। बोलो खींचो आगड़ा बे। हेलो, वाओ कब थैंक यू। हेलो क्या हुआ? पत्नी ने जन्म दिया जुड़वा बच्चों को। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू।